Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am Pooja Sharma, okay, and today we will discuss our moral value chapter number 2, that is our motherland, Hamari Matribhumi. So India is our motherland. Bharat हमारी मातृभूमि है. We all are Indians. हम सब भारतीय हैं. We love our motherland. हम हमारी मातृभूमि या हमारी कंट्री को प्यार करते हैं. And we are proud of her. And हमें हमारी मदरलैंड पर गर्व है, प्राउड है. So many languages are spoken here. यहाँ पर बहुत सारी जो भाषाएं हैं, languages हैं, वो बोली जाती हैं. So many religions exist here. And बहुत सारे धर्म यहाँ पर मौजूद हैं. But still we are Indians. But फिर भी हम भारतीय हैं, Indians हैं. Because there is unity in diversity. क्योंकि अनेकता में एकता है. Okay? हम सब different होते हुए भी क्या हैं? एक हैं. The Indians should be proud of our country, India, and should love her cultural heritage. हम भारतीयों को अपने भारत देश पर गर्व होना चाहिए और हमें हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है, उसे हमें प्यार करना चाहिए. Every person is inspired by the sight of his native land. प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो नेटिव लैंड है, अपनी जो मातृभूमि है, जहां पर आपका जन्म हुआ है, उसे देखकर अपने आप को इंस्पायर्ड और प्रेरित महसूस करना चाहिए. पैट्रियोटिज्म इज द क्वालिटी विच ईच सिटीजन ऑफ अ कंट्री शुड हैव. और देशभक्ति वह गुण है जो किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक के पास में होना चाहिए. We must always be ready to sacrifice our lives for our country. और हमें अपने देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए, sacrifice करने के लिए अपनी life को हमेशा तैयार रहना चाहिए. All people who live here, whatever their religion or caste be, and in whichever part of this country they live, are Indians. वे सभी लोग जो यहाँ रहते हैं, उनका धर्म या जाति कुछ भी हो, या वो इस देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, वो क्या है? वो इंडियंस हैं, भारतीय हैं. Our motherland has been famous for its beauty since ancient times. हमारी जो मातृभूमि है वो अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी सुंदरता के लिए प्राचीन समय से ही जानी जाती है. पुरातन काल से, प्राचीन काल से ही हमारी जो कंट्री है वो अपनी ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए फेमस है. Many saints have taken birth here, और बहुत सारे जो संत हैं उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है. People of other countries praise the culture, art, craft, dance, and music of our country. और जो दूसरे देशों के लोग हैं वो हमारे देश की संस्कृति, कला, शिल्प, नृत्य और संगीत की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं. We feel great to live in our country, India. और हमें अपने देश में, अपनी कंट्री में, भारत में रहना अच्छा लगना चाहिए. We should serve our country faithfully. और हमें हमारे देश की जो सेवा है वो हमें कैसे करनी चाहिए? ईमानदारी के साथ करनी चाहिए. ओके, हमें हमारे देश की जो सेवा है वो ईमानदारी से करनी चाहिए. सो देयर आर सो मैनी ways in which we can serve our country. और यहाँ हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम हमारे देश की सेवा कर सकते हैं. We should live in peace and make friendship with other country as well. और हमें अपने कंट्री में शांति से रहना चाहिए. ओके, और अन्य जो कंट्रीज हैं, दूसरी जो कंट्रीज हैं, उनके साथ भी हमें दोस्ती करनी चाहिए. We must respect every religion as we respect ours. और हमें उसी तरह हर धर्म का सम्मान करना चाहिए जिस तरह से हम अपना सम्मान करते हैं. ओके, अपना और अपने धर्म का हम जैसे सम्मान करते हैं, वैसे ही हमें अदर जो रिलीजन है, दूसरे जो धर्म है, उनका भी सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए.
यू आर द चिल्ड्रन ऑफ मदर इंडिया, आप सब भारत माता की संतान है, प्रायर टू बी इन फेलोशिप विद एवरीवन, ओके। तो सभी के साथ हमें मिलजुल कर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आर्स इज अ वास्ट कंट्री, हमारा जो देश है वो बहुत ही विशाल देश है। नाउ इट हैज डेवलप्ड इन मैनी वेज, और अब ये कई तरह से क्या हो गया है, डेवलप हो गया है, विकसित हो गया, इसका डेवलपमेंट हो गया है। सम सेल्फिश पीपल ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्ट द वे टू प्रोग्रेस, पर कुछ स्वार्थी लोग हैं जो हमेशा इस काम में क्या करते हैं, इस काम को स्टॉप करने की, उसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं। टू ग्राइंड देयर ऑन एक्ट्स दे प्ले द गेम ऑफ डिवाइड एंड रूल, ओके। और वो डिवाइड एंड प्ले का जो रूल है, ठीक है, फूट डालो और राज करो, इस तरह का जो गेम है उसे खेलने की कोशिश करते हैं। This hamper the pace of progress and weakens the foundation of the country. और इससे क्या होता है, ये हमारे देश की प्रगति को बाधित करता है, हमारे देश की जो प्रोग्रेस है उसे रोकता है, और हमारे देश की नींव को क्या करता है, कमजोर करता है। We should always check that nothing should disturb the peace and harmony of our country. और हमें हमेशा इस चीज की जांच करनी चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे देश की प्रगति के लिए, हमारे देश की जो शांति है और जो हारमोनी में सद्भाव है, मिलजुल कर रहने की जो भावना है, उसे डिस्टर्ब करे, उसमें किसी तरह की बाधा डाले। आर कंट्री हैज अ ग्रेट कल्चर एंड ट्रेडिशन फॉर विच इट हैज अ ग्रेट नेम एंड पोजिशन इन द वर्ल्ड, और हमारी कंट्री का जो संस्कृति है और परंपरा है, ओके, जो हमारे ग्रेट हमारा कल्चर एंड ट्रेडिशन है जिसके लिए हमारी कंट्री जानी जाती है, ओके, इट हैज अ ग्रेट नेम, उसके लिए बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, वहां ये अपना एक नेम और पोजीशन रखती है, ओके, पूरी दुनिया में हम लोग इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, हमारी एक पोजीशन है, हमारा एक स्थान है दुनिया में। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल रिस्पेक्ट आवर मदरलैंड, ओके, और पूरी दुनिया के लोग हमारी मातृभूमि का, हमारी मदरलैंड का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। इट्स ग्रेट हेरिटेज ऑफ कल्चर मेक अस फील प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस, ओके, और इसकी जो ये महान विरासत है, संस्कृति है, ये हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाती है, ओके, कि हम भारतीय हैं, इस चीज पर हमें गर्व महसूस होता है। इट हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सेकुलरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ओके। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, और जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, ये क्या अपॉर्चुनिटी देता है, ये सभी लोगों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है, ओके, आपके पास में आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, ये अवसर दिया गया है कि आप किसी भी रिलीजन को, अपनी चॉइस के, अपनी पसंद के किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं। Every Indian should always keep in his mind that India belong to each one of us. तो हम सभी को ये हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भारत हम सब में से प्रत्येक का है, मीन्स भारत हम सब का है, ये बात हमें हमेशा अपने दिमाग में याद रखनी चाहिए। We should never take part in any anti-national activity. और हमें किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी में, जो हमारी कंट्री के खिलाफ हो, हमारी कंट्री के लिए रॉन्ग हो, ओके, ऐसी एंटी नेशनल किसी भी एक्टिविटी में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, पार्ट नहीं लेना है। We should work for improving the condition of everyone. हमें सभी के हालात को सुधारने के लिए काम करना चाहिए, ओके, whatever we are, student, teacher, doctor, engineer, builder, laborer, writer, farmer, administrator, trader or fighter, we can help our country through our kind and powerful efforts, okay, hum jo bhi ho, chahe hum chhatra hain, shikshak hain, doctor hain, engineer hain, बिल्डर हैं, ओके, मजदूर हैं, लेखक हैं, या फिर हम किसान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स हम प्रशासक हैं,
ट्रेडर मीन्स हम व्यापारी हैं या फिर हम सेनानी हैं, हम जो कुछ भी हैं हमें अपने शक्तिशाली जो प्रयास हैं उसके थ्रू हमें, उसके माध्यम से हमें अपने देश की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। All of us should take inspiration from patriotism and sacrifice of the lives of great person. और इसके लिए हम किससे प्रेरणा ले सकते हैं, किससे inspiration, हमें motivation कैसे मिलेगा कि हमें अपनी country के लिए कुछ करें, तो हम जो भी हमारे देश के महान देशभक्त हैं और जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया है हमारे देश के लिए, उनसे हमें inspiration लेनी चाहिए, motivation लेना चाहिए। We should develop the quality of tolerance, understanding, love and cooperation. और हमें अपने अंदर क्या develop करना चाहिए, कौन सा गुण develop करने चाहिए, हमें अपने अंदर quality of tolerance, सहन शक्ति, सहनशीलता जिसे बोलते हैं, understanding, समझदारी, एक दूसरे को समझने का जो भाव है, okay? प्रेम और सहयोग, love and cooperation, okay? ये सारी जो qualities हैं हमें अपने अंदर develop करनी चाहिए। We should respect the national symbols, national flag, national emblem, national anthem, okay? और जो भी हमारे राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा राष्ट्रीय गान जो है, उस सबका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। They are a loud proof for our national greatness, okay? वो हमारी जो महानता है, हमारी राष्ट्रीय महानता का एक बहुत बड़ा क्या है, प्रतीक है, okay? Loud proof है, इसलिए हमें इन सब चीजों का respect करना चाहिए। So student, here our chapter number 2 is completed. I hope you all understood about chapter number 2, okay?